एक तो ऊपर बजरी है, ये पत्थर है और नीचे नदी है। अरे बाप रे बाप, शिट शिट शिट, ओ हो 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 हो, ओ शिट, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, शिट शिट शिट। चलो बच गए, ज़्यादा नहीं थे। एक तो मेरे पास से निकला था, छोटा पीस था, बड़ा नहीं था, बट ऐसे छोटे पीस से ही बड़े वाले लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाती है, यू नेवर नो। जब मैं जा रहा था मेरे पास से कुछ पत्थर निकले थे। वेरी गुड मॉर्निंग पीपल। ये हमारा दूसरा दिन है डिस्किट में और हम दोनों को आज निकलना है पैंगोंग के लिए। पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे पास अभी नहीं है वो है पेट्रोल कैन, जेरी कैन। एक्चुअली यहाँ से पैंगोंग तक तो हम चले जाएंगे, हार्डली 170 किलोमीटर होगा, पर पैंगोंग से लेह मनाली हाईवे पर आने का पेट्रोल नहीं होगा हमारे पास। अगर हमारे पास पेट्रोल कैन होते तो हम मॉर्निंग में 7 बजे ही निकल जाते। आंटी पेट्रोल कैन मिलेगा आपके पास? नहीं है? मिलेगा ऊपर, ऊपर हाँ, मेन रोड पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये है डिस्किट का मेन मार्केट, अभी तक पूरा ओपन नहीं हुआ, 10 बजे तक ओपन हो जाएगा। और आज धूप बहुत अच्छी खासी निकल गई, मैं बहुत खुश हूँ। सी आसमान एकदम साफ़ है, वरना पिछले 3 दिनों से, जब से हम लेह में आए तब से ही मौसम ख़राब था। पिछले 3-4 दिनों से बारिश रुक के बारिश हो रही थी। अंकल पेट्रोल कैन मिलेगा? इसमें से तो नहीं निकलेगा बाहर? ये है ना, इसके नीचे जोर से दबाना है। ठीक है, ये पिचका हुआ है, पिचका हुआ है, डूब लगे। ठीक है, अभी भरना है ना इसमें पेट्रोल? तो पेट्रोल जब भरेगा ना, हाँ अपना नहीं, थोड़ा सा कम रहेगा ना। ये तो फूल सकता है, मतलब सही हो सकता है। और नहीं आपके पास इसके अलावा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारा डिस्किट से चलने का टाइम आ गया है, अभी हम निकलेंगे पैंगोंग के लिए। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, बट वी होप के रास्ते में इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग ना आए, ज़्यादा पानी ना आए। मौसम आज का काफ़ी अच्छा है, बादल बिल्कुल भी नहीं है, हल्के हल्के से ही हैं, और धूप थोड़ी तेज है, इसलिए मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया। अभी एक बार रास्ते में चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए लेट्स गो टुवर्ड्स पैंगोंग। चलो, वाह आज का मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। काश ऐसा मौसम रहता 2-3 दिन से, तो काफ़ी अच्छा रहता। बस एक चीज़ है, जब आसमान साफ होता है तो धूप काफ़ी तेज़ लगती है। हवा अब ठंडी ठंडी लग रही है। धूप में खड़े रहते हैं तो धूप तेज़ लगती है, पर जैसे ही चलते हैं तो ठंडी हवा लगती है। सामने से आर्मी का पूरा रेला आ रहा है और उनके पीछे खूब सारी गाड़ियाँ हैं। अरे ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे करके आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है दोनों नदियों का, इधर से आती हुई श्योक रिवर, सामने से आती हुई नुब्रा रिवर। और सियाचिन अगर आपको जाना है तो वो वहाँ से एक रोड जाती है जो सीधे आगे सियाचिन की तरफ जाएगी, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे। ये देखिए कितना बड़ा रेत का मैदान है, और ये सारा नदी की वजह से है। So, हम इस प्लेन में खड़े हैं, जो नुब्रा रिवर और श्योक रिवर का संगम होता है, उसकी वजह से इतना बड़ा सारा प्लेन वाला एरिया बना है। उस वैली में भी 2 पहाड़ के बीच में से जो वैली है, वहाँ से आती है नुब्रा रिवर, और यहाँ से आती है, इनफैक्ट मेरे पीछे से आती है श्योक रिवर। इनफैक्ट उन दोनों पहाड़ों के बीच में जो वैली है वहाँ से रास्ता जाता है सियाचिन के लिए। यहाँ से तकरीबन कुछ 100 किलोमीटर आगे होगा। दस 15 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े हुए और धूप बहुत तेज़ लगनी चालू हो गई। सो नुब्रा वैली में एक ही पेट्रोल पंप है। इसके बाद पैंगोंग तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इनफैक्ट पैंगोंग से वापस जब लेह की तरफ जाएंगे तब लेह मनाली हाईवे पे एक पेट्रोल पंप पड़ेगा, उससे पहले कोई नहीं। सो हम यहाँ इसमें पेट्रोल भर रहे हैं। हमारे पास 5 लीटर का कैन है। पूरा मत भरना, थोड़ा कम रख लेना। यहाँ पे नाश्ता वगैरह तो कुछ नहीं मिला, तभी हम आगे चलते हैं। यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेट्स गो। ओह, ये जो आपको बीच सड़क पे पत्थर दिख रहे हैं ये ऊपर से आए हैं। परसों जब हम यहाँ आए थे तब बारिश हो रही थी। हम बारिश में डिस्किट पहुँचे थे और बारिश में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बिकॉज ऊपर से पत्थर आके गिरते रहते हैं, जैसे सड़क पे आपने देखे होंगे। ओके गाइज, हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया। मैंने 2 पराठे खा लिए और अब सीधा रात को खाएंगे। अब चलते हैं पैंगोंग। बहुत लेट हो गया है, इनफैक्ट 11:30 यहीं पे बज गए। अब हमें वहाँ पे पैंगोंग में काफ़ी एक्सपेंसिव रहने के ऑप्शन मिलेंगे। ओके, बाय बाय। सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलो अभी हमें इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ना है, फिर यहाँ से एक रास्ता अलग कट जाएगा। हम लेह होते हुए नहीं जाएंगे, हम जाएँगे श्योक रिवर के साथ साथ। ये जो रिवर है इसके साथ साथ एक रोड जाती है, डायरेक्ट पैंगोंग पहुंचेगी। सो ये एक जंक्शन है। यहाँ से सीधी रोड जो ऊपर जाएगी वो जाएगी खारदुंग ला की तरफ, और लेफ़्ट में इन गाड़ियों के साथ साथ जिस डायरेक्शन में गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर यहाँ पे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे पैंगोंग डायरेक्टली, लेह को बाईपास करते हुए। जो आपको सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं ना पहाड़ पे साइड में, नीचे की रेत हवा के साथ उड़ के ऊपर आई है। एकदम फाइन रेत, जैसे बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं परफेक्टली वैसा। तो नीचे जो नदी के किनारे रेत पड़ी हुई है, ये हवा के साथ उड़ के ऊपर ऊपर आ जाती है। रोड बहुत ही नर्व है यहाँ पर, और उस पर ऊपर रेत भी है। साइड में जो पत्थर हैं ये ऐसे होते हैं जैसे नदी के किनारे मिलते हैं ना, गोल गोल से पत्थर। तो शायद कभी नदी का लेवल यहाँ तक होगा, जिस वजह से पत्थर इतने ऊपर ऊपर हैं। टाइम के साथ साथ नदी नीचे चली गई। अरे वाह, ये कोई वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पर? नहीं, ये ब्रिज बनाया हुआ है। नहीं है तो सही, छोटी सी। हाँ। कुछ नहीं है तो हल्का सा ही पानी है। साइड में से ज़्यादा पानी आ रहा है। ओह, टक्कर लगता था तेरा मेरा। तो दूर चलो ना थोड़ा, वहाँ पे मेरी इस पे टकराई थी वो हा? ये बॉटम टच हुआ था। हाँ ठीक है, वैसे तो एकदम पीछे मत चलो, साइड में चलो। तो अगर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, आगे वाला ब्रेक लगाता है तो उसमें पीछे वाले के पास कम टाइम होता है। अगर थोड़ा साइड में चलेंगे, ऐसे 2 बाइकर्स हैं, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो दूसरे वाले के पास टाइम होता है। रास्ता ख़राब तो है, और मेरे ख्याल से यहाँ से ख़राब रास्ता चालू हो गया। कल कुछ लोग मिले थे जो पैंगोंग से डिस्किट आए थे, हमने उनसे पूछा था रास्ता कैसा है, तो उन्होंने बताया था कि भाई कुछ रोड तो अच्छी है और कुछ ख़राब है। ख़राब जैसे कि ये, अब इसमें पता नहीं लगता ना कि गड्ढा कितना गहरा है। आगे भी दिख रहे हैं मुझे तो छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम है जो साइड में से आती है और रोड के ऊपर से होती हुई जाती है। ओह, यहाँ से थोड़ा चैलेंजिंग रोड स्टार्ट हो जाता है। ये मुझे कुछ कुछ स्पीति की याद दिला रहा है। अगर आपने मेरी स्पीति वाली सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि तब भी मैं ऐसी रोड पे गया था, एंड माय गॉड दैट वाज समथिंग एल्स। रोड बहुत पतली हो जाती है एक्चुअली। चैलेंजिंग इस वजह से हो जाती है, एक तो पतली रोड है, ऊपर से स्लोप काफ़ी तीखा है, इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें कई सारी चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। बैलेंस बनाना होता है, स्पीड रखनी होती है, मोमेंटम रखना होता है, और सामने से आते हुए ट्रैफिक का ध्यान रखना होता है। एंड ओके, वाह वाह, मुझे नहीं पता लेह से पैंगोंग वाला रास्ता कैसा है, पर नुब्रा वैली से पैंगोंग वाला रास्ता बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इस ट्रिप पर ऐसे एडवेंचर को मिस कर रहा था। ओके, आयरन ब्रिज। तो मुझे नहीं पता लेह से लेके पैंगोंग वाला रास्ता कैसा है, बट नुब्रा वैली से पैंगोंग वाला रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत सीनिक है। हाँ, वो लोग रोड पे बैठे हैं। अब वैसे छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम काफ़ी मिल रही है यहाँ पे। पीछे भी एक गड्ढा था और यहाँ तो एक काफ़ी बड़ा सा झरना है, रोड पे आ रहा है। इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, इनमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। दिक्कत वहाँ पे चालू होती है जहाँ पे नीचे पत्थर होते हैं। उस पर चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज पत्थर स्लिपरी होते हैं, अपनी जगह पे टिकते नहीं है, बैलेंस बनता नहीं है, गाड़ी का आगे वाला टायर भी ऐसे 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 करके घूमता है। यहाँ पे रुक के हमने थोड़े बहुत ड्रोन शॉट लिए थे, अच्छे एरिया मिल गया था तो हम यहाँ पे रुक गए। नाउ लेट्स गो, लेट्स हरी टू पैंगोंग। ये कोई स्पॉट लग रहा है 24 आवर। चले पैंगोंग इस साइड। अच्छा, यहाँ पे ओके, चलो। वो ऐसा लग रहा है वो सामने वाला पहाड़ पूरा रेत का है, पत्थर नहीं, सिर्फ रेत। और इस नदी में भी बहुत सारा पानी है अभी, बहुत सारा। रिवर के साथ साथ जाने का फ़ायदा ये है कि हमें काफ़ी हद तक स्ट्रेट रोड मिल जाती है। खैर, जहाँ तक हमें अच्छी रोड मिल रही है वहाँ तक फिर इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, आगे तो ऑफ रोड आना ही है। ओके, ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होके नीचे आ चुका है, और सामने से वो बाइकर आ रहे हैं, इधर से वो कार आ रही है। जा सकते हैं क्या? लेट्स सी। नीचे एक तो ऊपर बजरी है, ये पत्थर है, और नीचे नदी है। अरे बाप रे बाप, शिट शिट शिट, ओ हो 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 हो, ओ शिट, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, शिट शिट शिट। चलो बच गए, ज़्यादा नहीं थे। एक तो मेरे पास से निकला था, छोटा पीस था, बड़ा नहीं था, बट ऐसे छोटे पीस से ही बड़े वाले लैंडस्लाइड स्टार्ट हो जाती है, यू नेवर नो। थोड़ा लैंडस्लाइड हो रहा है। जब मैं जा रहा था मेरे पास से कुछ पत्थर निकले थे। चलो चलो चलो, लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रोड गायब हो गई और पीछे पत्थर वाला काम कर रखा है। अभी हमें यहाँ पे रिवर क्रॉस करनी होगी, आयरन ब्रिज। वाओ, सामने बर्फ़ के पहाड़ हैं, पास में बहती श्योक रिवर और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। वेरी प्रिटी। मैं रुकना तो चाहता हूँ बट आई हैव टाइम कॉन्स्टेंट। सो गाइस, आप मुझे लग रहा है इस ट्रिप का एडवेंचरस पार्ट स्टार्ट हुआ है। अब तक तो मेनली हाईवे से अच्छी रोड थी, बस एक खारदुंग ला को छोड़ के अब तक कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं आया था, पर अब ये रोड चैलेंजिंग है। हाँ हाँ, नाइस, आई एम लविंग दिस। दिस इज़ पार्ट ऑफ एडवेंचर ट्रेवल। सी कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ रहा है। अब मुझे खुशी हो रही है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे मज़ा आ रहा है। नाउ आई कैन फील द एड्रेनलिन। अब ये मुझे स्पीति की याद दिला रहा है। वाह, कूल, नाइस। गुफा गुफा थी वो। अब यहाँ से रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, काफ़ी कठिन हो गया है, बिकॉज रोड के साइड में हमें लैंडस्लाइड के निशान दिखे रहे हैं। इनफैक्ट पीछे हमारे ऊपर पत्थर भी आके गिरे थे एक दो। बट यू नेवर नो व्हेन ए स्मॉल रॉक कैन ट्रिगर अ बिग लैंडस्लाइड। रिस्की हो जाता है ये। ऐसी जगहों पे ध्यान रखना पड़ता है और डर भी लगा रहता है। लोग, ये पूरी रोड ही ऐसी है। दिस होल एरिया इज लैंडस्लाइड प्रोन। चलो 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 चलो। अरे बाप रे, इसको जाने देते हैं, काफ़ी स्टीप स्लोप है। ओह शिट, ओह, वेरी डेंजरस। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई होगी और रोड को बहा के लेके चली गई। ये वाला पूरा पहाड़ ही कच्चा है, इतना बड़ा पत्थर आके गिरा हुआ है ये, इसको तो हटाया भी नहीं इन्होंने। वहाँ से पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। वो सामने पहाड़ पे बर्फ़ दिख रही है, एकदम क्लीन, बहुत सारी, बहुत मोटी चादर है इनफैक्ट बर्फ़ की। अरे बाप रे बाप, यहाँ से तो बस जल्दी निकलो, जल्दी फटाफट चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। यहाँ से आगे ऑफ रोड वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कितना लंबा है, बट ये तो है, ये रिवर बेड है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे ही रास्ता मुझे मिला था जब मैं स्पीति से मनाली जा रहा था, काजा से मनाली वाला रूट। अरे बाप रे बाप, पत्थर पे जाके ना टायर स्किड होता है, इधर उधर भागता है। ओ, ओ, ओ। और बाय चांस कोई पैना सा पत्थर आ गया तो टायर पंचर भी कर सकता है। ये तो आगे तक ऐसा है बॉस, शिट, तो काफ़ी आगे तक ऐसा है। यहाँ पर से कुछ लैंडस्लाइड हुआ होगा, वहाँ से खूब सारा मलबा इधर आएगा, इधर दिख रहा है। चलो चलो चलो, आगे मुझे रोड दिख रही है, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई होगी। अब इतनी मोटी लैंडस्लाइड, इतने मोटे रबल को कैसे हटाते, तो उन्होंने रोड ही इसके ऊपर बना दी। बनाई तो क्या, एक रास्ता सा बना दिया कि यहाँ से निकल के जा सकते हैं। चलो 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 चलो। ये दिस इज़ प्योर पत्थर, प्योर रिवर बेड वाले पत्थर। आगे छोटी सी एक वाटर क्रॉसिंग है, कोई नहीं, चले जाएंगे। चलो 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 चलो। छोटी नहीं भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी है, गहरा है पानी इसमें। जा सकते हैं, जा सकते हैं। आगे 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 निकल गए। ओके पानी है तो काफ़ी सारा, पर नीचे से सीमेंटेड रोड है, इस वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पर यहाँ पे बहुत जगह लैंडस्लाइड वाला रबल पड़ा है, और ये इस बात का सबूत देता है कि पहाड़ों पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखो एक और लैंडस्लाइड है जो पूरी रोड खा गया। इसके नीचे रोड होगी, अगर हम खोदेंगे पत्थरों को तो नीचे से रोड मिलेगी, पर खैर इतना कौन खोदे, इस वजह से ऊपर से लोगों ने जाने का रास्ता बना दिया। पार हो गए। बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ गया था जिस वजह से मुझे रुकना पड़ा, बट फाइनली निकल आए। ये जो पीछे आपने छोटी सी स्ट्रीम देखी पानी की, ये बरसात के मौसम में या फिर किसी और वजह से बहुत सारा पानी आता होगा इसमें, उसके साथ ही ये सारा मलबा ऊपर से आता होगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या चीज़ है, पूरा पहाड़ी उतर के आ गया है तो नीचे, और मैं थर्ड गियर में था। चलो आगे भी ऐसा ही है, सब जगह लैंडस्लाइड हुई हुई है, क्या पता पुरानी हुई है। और ये यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, ओके ठीक है। सो ये रोड उधर से वैसे सीधे जाती होगी, पर पहाड़ ने बोला नहीं मुझे रास्ता पसंद नहीं है, मैं दूसरा बनाऊंगा, और पत्थर नीचे डाल दिए। यहाँ पे चारों तरफ जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पहाड़ हैं, सबके टॉप पे बर्फ़ है। मतलब हम ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं, एलिवेशन गेन करते जा रहे हैं। सो अभी हम हैं श्योक विलेज में, लाइक रिवर के नाम पे इस गांव का नाम पड़ा होगा शायद, या फिर गांव के नाम पे रिवर का नाम पड़ा होगा, बट छोटा सा विलेज है। आसपास आर्मी का कैंप है और चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं। सो यहाँ से पैंगोंग लेक सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है, सम 70 किलोमीटर्स में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डरबुक, सो यहाँ पे एक बार एंट्री वगैरह करानी पड़ेगी। सो गाइज अभी हम दुर्बुक पहुँच चुके हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बाकी है। ठंड काफ़ी लग रही है, जो भी लेयर्स वगैरह है वो मैं सारी पहन लूँगा। ये जो मेरे वेंट्स हैं, एयर वेंट्स, ये भी सारे बंद कर दूँगा। क्या जब तक धूप में रहते हैं तब तक कंफर्टेबल रहते हैं, और जैसे ही छाँव आती है, थोड़ा सा शेडी एरिया आता है, ठंड लगने लग जाती है। सो पैंगोंग लेक यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर्स दूर है। मुझे अच्छी जगह दिखी थी, यहाँ पे पानी की स्ट्रीम भी है, उस तरफ घोड़े भी घास चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 5-7 मिनट के लिए रुक गया। एक ट्रैवल का मज़ा तभी है जब आपको अच्छी जगह दिखे, वहाँ पे रुक जाओ। मैं तो इस तरह से ट्रैवल करता हूँ, जो पॉइंट मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता हूँ, देन आई मूव फॉरवर्ड। वन 125cc स्कूटर पे तमिलनाडु से आए हैं। हाँ दैट्स गुड। इन्हें चलाने वाले पे डिपेंड करता है, वैसे तो कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हालांकि धूप में चल रहे हैं, पर मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। उतना ही ठंडा जितना खरदुंग ला जाते टाइम हुआ था, उस टाइम भी मेरे फिंगर टिप्स एकदम जम रहे थे, अभी भी मेरे फिंगर टिप्स जम रहे हैं। आपके पास प्रॉपर गियर्स नहीं हैं तो जम जाओगे, लिटरली जम जाओगे। तो अभी हम जिस स्पॉट पर हैं वहाँ से पैंगोंग का पहला व्यू मिलता है। दो पहाड़ों के बीच में से जो लेक दिख रही है वो पैंगोंग है। यहाँ यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है। अभी आगे चलेंगे, वहाँ जाके रुकेंगे। और ये रही वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक। वाह, फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हम। सी कितना नीला पानी है। वाह, अब सबसे पहले काम करना है, हमें एक होटल रूम देखना है। देख के आता हूँ। दो लोग हैं। सो फाइनली हम वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक पर पहुंच चुके हैं। सी, मेरे पीछे एकदम नीला पानी, एब्सोल्युटली ब्लू, और बहुत दूर तक, वहाँ तक फैली हुई है, बहुत दूर तक फैली हुई है। इट्स लाइक किलोमीटर्स लॉन्ग। अभी सनसेट होने वाला है। सी, अगर थोड़ा सा सन और ऊपर होता तो इसका कलर और क्लियर चमकता, पर वो मॉर्निंग में देखेंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी थी रूम वगैरह लेना, बिकॉज लोगों ने हमें बताया था कि यहाँ पे जाके सबसे पहले रूम्स आपको बुक करना है। अगर आप बुक नहीं कर पाते तो फिर उनके रेट बढ़ते जाते हैं। आप जितना लेट करेंगे उतने उनके रेट बढ़ते जाएंगे।